हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारयां नूं। इस वक्त जी असीं हिमाचल प्रदेश के शहर चंबा विखे, लोकेशनस बहुत ज़्यादा ने इत्थे घूमण दे लई, इस करके असीं कुछ भी कन्फर्म नहीं हो भी जाना कित्थे आ, खजाज जां सचपस करदे आ सलाह बाकी दे नाल कि उह कित्थे जाणा चाहुंदे आ। फिलहाल तां जी लगे आ चैकआउट करन। ਚਾਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਕੇ ਤੇ ਦਾ ਚਾਹ ਵੀ ਰੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਓ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਆਊਟ। ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਲਓ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਨਫਰਮ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਮੌਰ, ਚੰਬੇ ਟੂ ਬਰਮੌਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਰੋਕ ਲਓ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਬਹੁਤ। ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਆਮਲੇਟ ਬਰੈਡ ਆਮਲੇਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਧਰੇ ਚਿਕਨ ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਭਾਈ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈ ਬਾਈ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਪਕਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਨੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ एक रास्ता गया मनीष दूसरा गया कहाँ कुगती कुगती वहाँ पर कार्तिक स्वामी का मंदिर है बहुत सोहनी जगह है वहाँ पर गाँव ही है गाँव है लोग रहते हैं बहुत आबादी है और कार्तिक स्वामी का मंदिर है और अच्छी जगह है आप याद करेंगे घूमने फिरने के लिए जी घूमने फिरने के लिए वहाँ पर आस्था भी ना हमारी हिंदू भाई की आस्था है ना वहाँ पर कार्तिक स्वामी शिव जी के जैसे गणेश जी है ना शिव जी के मतलब पुत्र वैसे कार्तिक स्वामी भी शिव जी के पुत्र हाँ जी क्या हो रहा ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਆ ਦੇਸੀ ਫ੍ਰਿਜ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਫ੍ਰਿਜ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਤੂੜੀ ਫੂਸ ਫੂਸ ਜਿਹੜੂ ਕਹਦੇ ਫੂਸ ਕਾ ਫੂਸ ਕਾ ਫੂਸ ਡੰਗਰ ਰੱਖ ਲੋ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਾ ਫੂਸ ਹਾਂ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਚੱਕਰ ਪਾਤੇ ਇਹ ਯਾਰਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬੋਤਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਗਿਆ ਹੋ ਜਾ रास्ता बड़ा खतरनाक है भाई यह जहाँ पहली बार रास्ता देखे एक तो है भी बुरा सुरा ही जमा ही चंबे टू बरमौर आने लिए यही क्योंकि रास्ता और कोई फालतू रास्ता नहीं यही सिंगल रोड है बस मनी महेश जाने लिए भी इसी रस्ते में होके जाना पैंदा जी पहुंच चुके हैं बरमौर की एंट्री पॉइंट पे यह सामने बरमौर जी असं पहुँच गए बरमौर इतने अपना एक फ्रेंड आ वो घर जाके चाह पानी पीने मिल के वापस फिर इतों देखते हैं जी स्टे करा देखते हैं जा सच पास सच पास जो सच पास जाओ फिर देखो फिर हरे हरे लड्डू ले लो 220 लक्की वीर की फैमिली वालों बहुत ही सोहना लंच करवाया गया छोले पूरिया का तो उन्होंने वालों काफ़ी किया गया कि जेकर तुम इतने आए हो तो एक मंदिर जरूर देख के जाओ
जिसका नाम है माता बरमाणी मंदिर। यह मंदिर समुद्र तल तो 9000 फुट की ऊंचाई पर बने हुए हैं। बरमौर तो जेकर तुम आना भी चाहते हो तो 4 किलोमीटर का रास्ता है, ज़्यादा नहीं है रास्ता, पर यह खतरनाक है पूरा। सो जेडे एक्सपर्ट ड्राइवर ने उ इस रास्ते आ सकते हैं, दूजे मेरा भी पंगा ना ही ले। बरमौर तो तुम कार भी रेंट पर कर सकते हो, इतने वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी क्योंकि उन्होंने सारा हिसाब किताब होंगे रास्ते का। बस आ रास्ता जमा ही पूरा सूरा देख सकते हो तुम सामने। मैं गड्डी तो नीचे उतर गया सीगा, मैं क्या चल देखता अगे जाके रास्ता कितना था, क्योंकि जेकर सामने गड्डी आ जाए तो क्रॉसिंग करवानी बहुत औखी है। सीधी स्ट्रेट चढ़ाई होने करके कई बार तो गड्डी का मोशन टुट जाता, गड्डी भी कहती बेचारी कि रास्ते पा लिया अच्छे मैं, जे मैं हैडफोन से गुड़ जा पै जी उ रोड घूमता इन्नी ज़्यादा है गड्डी। प्राचीन मंदिर हैगा, सारे तो पुराना मंदिर है जिते कि पहले माता ब्रह्मणी जिदा 84 मंदिर के रही ही। उस तो बाद जिस टाइम भोलेनाथ इतने आए तो एक रात की सरण मंगी ही कि भी माता जी मैं एक रात की सरण चाहिए इतने रहने वास्ते। पहले माता ब्रह्मणी 84 मंदिर के होंगी ही, उत्थे भी तुहानू दसने थोड़ी देर के बाद अं थले जाना उदा स्थान स्थान भी दसने। उसके बाद भोलेनाथ के नाल जिदा कि भूत प्रेत साधु संत नंगे त्रिंगे वो एक जड़ी नंगे होंगे ही साधु तो पता ही है जोड़े होंगे ही है योगी भोगी न्योगी। तो ये की है कि माता राणी भोलेनाथ ने रिक्वेस्ट की कि माता एक रात की गल है दूजे सवेरे ही अगे कैलाश में प्रस्थान कर देना जी। वो बाद माता ने कहा बोले चलो ठीक है भोलेनाथ तो इच्छा एक रात की गल सी। फिर माता राणी ने उत्थे देखा कि दूजे दिन भोलेनाथ सवेरे 4 बजे चल गए ही। सवेरे 4 बजे उन्होंने देखा उठ के माता रानी ने तथे सारे ने जित मंदिर है जी वो सामने नीचे जित वो सामने देख सकते हो नीचे मंदिर है क्या असं उपर आ गए थे पहाड़ उत्ते उत्ते। ओ चलो यार चलिए वापस लत्ता दिखा लग गए मेरे ना भाई। माता के मंदिर तो वापस मुड़ते हुए रास्ते के पार्क भी पैंती है, बहुत सोहनी बनाई हुई पार्क, सामने साढ़े जवाक लगे हुए हैं खेलन।
इस जगह तो तुम मनी महेश स्थान के भी दर्शन कर सकते हो। इस वक्त थोड़ा मौसम खराब है, धुंद की फॉग वगैरह हुई हुई है, इस करके कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। वापिस आ गया जी बरमौर, लेके रूम करते हैं थोड़ी जी रेस्ट, नाले करवाने हैं थोनों 84 मंदिर के दर्शन। तुर पोस्ता जी क्या रह गया, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब पंजाब दे। हाँ जी पंजाब। समा हो गया जी रात के 7:30 का, ये है जी सामने 84 टैंपल। साडा रूम मंदिर तो नेड़े ही सी, आरती होने की आवाज़ सुन के असं भी मंदिर के दर्शन दान कर आरती च शामिल होने आ पुजे। अज का ब्लॉग इन्ना ही सी, सुबह जावांगे आप खजियार मिनी स्विट्जरलैंड टू डलहौजी। जेकर वीडियो चंगी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिओ, तो चैनल को सबसक्राइब करना ना भुल्यो।